हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और आज है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का डे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 4-5 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है। तो इसीलिए एडवांस में सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं एक्चुअली घूमने जा रहा हूँ, अभी नाइट का समय हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैं एक चर्च घूमने के लिए जा रहा हूँ, आज 25 दिसंबर था तो सोचा क्यों ना एक चर्च घूम के आया जाए और इसका एक्सपीरियंस लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैं निकल पड़ा अपनी बाइक उठा के। तो चलिए, आज के इस व्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ देहरादून में एक छोटा सा चर्च। और अगर वो वीडियो देख के आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी मैं इस वक्त हूँ गांधी पार्क के जस्ट सामने, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये एक क्रिसमस ट्री सजा रखा है और एक सेल्फी पॉइंट एक्चुअली बना रखा है इन्होंने, पंजाब ज्वेलर्स वालों ने। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे और एक गेट बना रखा था, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह रख रखे हैं ऐसे ही, और ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का व्यू है इन्होंने। और पूरे शहर में जगह जगह सेंटा क्लॉज बने हुए हैं, वो गिफ्ट बांट रहे हैं बच्चों को। तो आज मैं आपको देहरादून घुमाने वाला हूँ नाइट में, और जगह जगह सेंटा बने हुए हैं वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं ये सामने, आप लोग नाम देख सकते हैं इस चर्च का, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। ये एक्चुअली घंटाघर से राजपुर रोड पे ही है, थोड़ा सा पास में ही है। तो अभी अंदर चलेंगे, फिर आपको अंदर कैसा है ये चर्च वो आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर एक चर्च में आए हैं और अभी मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू है, और काफी सारे बच्चे सेंटा क्लॉज बन के आए हुए हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं ये सीट्स वगैरह हैं सारी बैठने के लिए, यहाँ बैठ के प्रे वगैरह कर सकते हो। बाकी आगे सामने वहाँ पे आज रात को 12 बजे केक वगैरह कटेगा और यीशु जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो ये सामने मेन बना हुआ है चर्च का। बाकी आज नाइट में यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होंगे, यहाँ पूरा बैंड सिस्टम लगा हुआ है, इधर डीजे वगैरह लगा हुआ है, ये डेक्स है, यहाँ पे कुछ भी जो बोलना होगा। बाकी सामने भी चेयर्स काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, तो नाइट में प्रोग्राम होगा अच्छा, बट जब तक तो हम लोग नहीं रुकेंगे। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके का, अभी लोग आ रहे हैं एक्चुअली, और ऐसा है ये अंदर से चर्च। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है पवित्र, मतलब ये बाइबल है, और बाकी ये बुक्स वगैरह हैं, इसमें गीत वगैरह लिखे हुए हैं इनके। तो यहाँ हर चेयर पे आपको मिल जाएगी, आप बैठ के यहाँ प्रे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके बारे में। और सामने तो फोटोग्राफी चल ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी हल्का सा म्यूजिक है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो देखते रहिए इस ब्लॉग को और लाइक करिए। गाइस, हमने ये वाला चर्च आपको अंदर से दिखा दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, सामने के लिए उधर आप लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर बीच में ये अट्रैक्शन पॉइंट बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना हुआ है और काफी सजा रखा है इन्होंने, काफी अच्छा लग रहा है। और बाकी सामने के लिए फ्रंट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं जो सेंटा क्लॉज बने हुए हैं, और फ्रंट पे ही हमारा क्रॉस का ये चिन्ह बना हुआ है। बाकी देख सकते हैं इधर सेल्फी वगैरह चल रही है सेंटा के साथ। और सामने ही इसके जस्ट है राजपुर मसूरी वाला हाईवे, तो हम लोग इधर ही आए थे अभी। बाकी ये है एक फ्रंट व्यू, तो बाकी ये है यहाँ का एक फ्रंट व्यू जो आप लोग देख सकते हैं, सामने पीछे साइड में रहा चर्च। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।